इतना बड़ा सा बाप वाला टीवी ले लिया, उसको मुझे चलाना ही नहीं आता, पता नहीं कौन सा स्मार्ट टीवी ले लिया इसने। बिकॉज़ स्मार्ट टीवी है ना फॉर स्मार्ट पीपल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है हमारा डे 5 जो कि अभी गिरिडीह में जा रहे हैं हम लोग। गिरिडीह कहते हैं ना। गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, हम लोग आज पांचवा दिन और हम लोग जा रहे हैं गिरिडीह। पहले मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, दो दिन पहले गिरीड़ बोला था, वो गिरिडीह नाम है जगह का, मुझे पता नहीं था। आज हम लोग वहां जा रहे हैं और बॉस मैं तो अभी तक अंधाधुंध के हैंगओवर से नहीं निकल पाया हूँ। सच में क्या फिल्म थी यार वो, मुझे रात में भी ऐसे ऐसा दिमाग में उसका थ्रिल घूम रहा था। बहुत कमाल की फिल्म है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, आयुष्मान खुराना की, बहुत ही कमाल की फिल्म है। खैर शोज की बात करते हैं, आज जा रहे हैं गिरिडीह और आज हमारा 5th शो अभी, और उसके बाद 2 शोज और बाकी हैं, तो ये ट्रैवल चलता रहेगा। अभी आपको मिलते हैं, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। पूजा मैंने कर ली है, आप देख सकते हो, ये रही माता, ये रही। फटाफट एक क्विक कॉफी और मीनवाइल थोड़ी थोड़ी पैकिंग करती रहूंगी मैं। हाँ ये रख लो, परफ्यूम अभी लगेगी मुझे, देना मेरी डियो की तरह। डियो देखना कौन से उसमें यार, तुमने इतना जल्दी वो कैसे खत्म कर दिया फेस वॉश। फेस को वॉश करते करते खत्म हो गया वो। नहीं तो गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग, ये रखो, इसमें रखते हैं पहले। सबसे पहले नीचे ये जाएगा, ओके साइड ये जाएगा, फिर ये जाएगा। अरे तो बड़ा क्यूट पाउच है। क्यूट है ना, अच्छा लगा तुम्हें? ये मैंने बॉम्बे में लिया था, तुमने डाटा भी था लेकिन तुम भूल गए हो कि मैंने क्यों लिया। 1000 रुपए का था ये। 1000 का है? हाँ पाउच। इसकी इतनी औकात नहीं लगती है, अच्छा पाउच है, सारी चीजें आ जाती है ना जो अलग अलग करके रखनी हो। मैं 5 साल से एक ही पाउच यूज कर रहा हूँ। तुम्हारा तो ये घटिया वाला एक पाउच है, रेनकोट के कपड़े में बना हुआ है। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुमको कोई चीज अच्छी चाहिए ही नहीं है लाइफ में, उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ती है ना। तुम अपने मेडिटेशन से बाहर आओगे तो शॉपिंग करोगे ना। शॉपिंग इतनी भी ना कर लो कि उसके बाद मेडिटेशन करना पड़ जाए। इतनी भी नहीं है शॉपिंग, अब मैं जाके करूंगी। कहाँ? बॉम्बे जाके शॉपिंग करूंगी ना, काम किया है। और एक परफ्यूम भी लूंगी एयरपोर्ट से। नई नई टी शर्ट दिखाना जरा, एक नई टी शर्ट है, बहुत अच्छी लग रही है। अभी नाइट सूट भी नया खरीद के दे दो। नाइट सूट भी तुम्हारे पास 150 जोड़ी है, पता नहीं, है? मार्क एंड स्पेंसर का लेके दो, अब दिवाली ऑफर में आई एम श्योर सेल लगेगी, क्योंकि तुम नया तो लेके देने वाले नहीं हो, सेल वाला ही माल ले दो। दिवाली में इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं कि नाइट सूट खरीदते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स किस लिए चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कपड़े कम से कम इंसान इज्जत के पहन सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या करेगा। तुमने अभी अभी टीवी लिया, उसका मैंने कुछ कहा? इतना बड़ा सा बाप वाला टीवी ले लिया, उसको मुझे चलाना ही नहीं आता, पता नहीं कौन सा स्मार्ट टीवी ले लिया इसने। बिकॉज़ स्मार्ट टीवी है ना फॉर स्मार्ट पीपल। आई एम नॉट स्मार्ट। तभी तुम नहीं चला पा रही हो ना। मैं मेरे को आसान वाला चाहिए, ऐसे ऑन करो, केबल ऑन करो और वो चल पड़े। ये कौन करता है कि ऐसे करके फिर वैसे जाओ, फिर वैसे करके फिर उसमें जाओ, फिर उसके भी उसमें जाओ, फिर जब तक जाओ तब तक आपका मूड ही चला जाओ। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या कर रहे हैं हमें, कपड़े उपड़े देखो, इंसान अच्छा लगता है कपड़े पहन के। खा बहुत उल्टा सीधा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उल्टा सीधा मतलब थोड़ा हैवी हो रहा है खाना। मेरा पेट भी निकल गया साइड साइड से, पता है? मेरा तो सब कुछ निकल गया साइड साइड से, आगे पीछे साइड से। तुम्हारा मुंह देख के लग रहा है ना सुबह सुबह जो तुमने दोनों गाल में टमाटर दबाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है? हाँ, और एक जीभ के नीचे भी दबाया हुआ है, ऐसा लग रहा है? फूला हुआ लग रहा है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, ऐसा लग रहा है रात में पानी में भिगो के रखा था राजमा फूल गए। आधी कप पियोगे कॉफी या पूरी? आधी कप देना बेबी। मैं पूरी पी रही हूँ। तुम वो जग ही क्यों नहीं पी लेती हो उसमें कॉफी डाल के? ये इतना काफी है देखो। इसमें आधी कौन सी और पूरी कौन सी? कोई बताएगा मुझे? ये पूरी है, आधी है। मेरा कॉफी मेट खत्म हो रहा है, मैं नहीं दूंगी अब से कॉफी, में ब्लैक कॉफी पी लो ना। मतलब अगर हम कहीं जंगल में फंस जाए और खाना कम बचाओ तो तुम खुद खा लोगी, मुझे छोड़ दोगी? ये नहीं पता तुम्हें? आज पता चल गया ना, मैं तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगा ही नहीं। तुम्हारे साथ जाना किसको है जंगल? अरे सफारी करने चले क्या? गाल नीचे लटक गया था। हाँ नीचे चला गया। सफारी के लिए चले क्या बेबी? जाना भी है। टडोबा चले? जिम कॉर्बेट में तो शेर बंदर कुछ नहीं है। मुझे पूरे जनवरी 2018 से मैं चिल्ला रहा हूँ लद्दाख जाने के लिए, अब बर्फ जम गई लद्दाख में लेकिन तुम लद्दाख नहीं गई, मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे टडोबा? चलो लद्दाख चले। अब क्या लद्दाख जाके वहीं लद जाएंगे, हिल भी नहीं पाएंगे वहां से, बर्फ जम जाएगी कुल्फी। चलो लास्ट कॉफी इन दिस होटल और गिरिडीह के लिए हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग रेडी है निकलने के लिए रूम से। मेरा एक काम करो, वो मेरे को दे दो, मेरा बैग तुम ले लो। अगरबत्ती अभी भी जल रही है, अगरबत्ती। चलो निकले, निकल रहे हैं हम लोग रूम से। बाय बाय रूम, बाय बाय। तो हम लोग नीचे जाएं क्या? लोग ना जो कैमरा हाथ में हो ना तो ऐसा देखते हैं जैसे मिसाइल पकड़ी हुई है आपने और कहीं भी फोड़ दोगे, जरा ऐसा हो जाते हैं सर देख के, क्या हाथ में। तीन गए हैं, तीनों ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं मैंने बम का गोला लिया हुआ हाथ में। अगरबत्ती के लिए नीचे रिसेप्शन में इन्फॉर्म कर देंगे ना कि अगरबत्ती रूम में जल रही है। चलो बेबी चेक कर रहे हो? नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स छूट भी आए, बिस्किट छूट रहे हैं और चॉकलेट छूट रही है यहाँ पे बस। न्यूज़पेपर, अरे हाँ न्यूज़पेपर में मेरी तो फोटो आई है, दिखाना बेबी।
एक ये आई है फोटो, और दिखाओ अंदर। तुम्हारी फोटो के नीचे माओवादी लिखा हुआ है। बेकार की बातें मत करो। देखो अंदर कितना बड़ा फोटो आया मेरा। खोलो जरा, खोलो ना, इसे रखो ना। ये देखो कितनी बड़ी फोटो आई है मेरी। लाइक फुल पेपर है, फुल एक पेज है जिसमें मेरा बीचों बीच जागरण डांडिया में संभावना का धमाल। भाई तो बच्चे खा गए थे मुझे, बच्चों ने नोच डाला था मुझे। जिसने हमें लेने आना था लल्लन टॉप जी, वो आए नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे चाय पीने आए हैं। यहाँ पे सीधा? हाँ जी, यहाँ से। अरे यार इधर तो हम लोग आए नहीं, इतना सुंदर है, हम लोग रूम में पड़े रहे। बुफे हमने किया नहीं किसी भी दिन। इतना ब्यूटीफुल होटल है, इतना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है, और हम लोग आज देख रहे हैं जब चेकआउट हो गया। देखो जरा, आई डोंट बिलीव दिस, रूम में खाएंगे, रूम में खाएंगे। धनिया के खा सकते थे बेबी। बेबी तुम तो उतरना ही नहीं चाहती, इतनी आलसी हो। और अब जब भी तुम्हारा चश्मा देख रहा हूँ मुझे अंदाजा नहीं याद आ रहा है। मत करो ना ऐसे, पकड़ जरा, दूर से अच्छी लगती है। पास आते ही ना चेहरा ऐसे ऐसे फैल जाता है। बेबी मेरी स्किन इतनी अच्छी कैसे हो गई है? ये सिर्फ कैमरा में दिख रही है। ओह है वैसी जैसे पहले थी, शायद लाइट करेक्ट पड़ रही है। जैसे मेरे पास ज्यादा पड़ गई ना, सफेद दिखने लग जाती है। खाने को इतना कुछ है और इतना बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, लेकिन कुछ भी खा नहीं सकते। एक तो खाने का टाइम नहीं हुआ है, दूसरा हमें भूख नहीं है, और तीसरा ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन है यहाँ पे। देखो जिंदगी की विडंबना, पैसा है खा नहीं सकते। पैसा तो है। ये तुमने ऊपर से जो बाल चिपकाया ना बीच में, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेरे गीले हैं बाल अभी मेरे ना, थोड़ा तो बाउंसी इफेक्ट देना चाहिए ना। अभी मैं फिर वो अजीब हो जाएंगे ना बाल। तो तुमने ड्रायर क्यों नहीं किया? मेरा मन नहीं था, मेरे गीले गीले बाल रखने का मन था। आई लुकिंग नाइस नाउ? आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं तुम्हें ये चीज ना बताऊं कि तुम कैसी लग रही हो, तुम्हें सच ना बताऊं, मैं झूठ बोल दिया करूं। ये चाह रही हूं झूठ ही हमेशा बोलते वैसे तो ये भी मैं सच कैसे मानूं कि मैं अच्छी नहीं लग रही? मेरे साथ तो अच्छी लग रही। मैं अच्छी नहीं लग रही होती तब भी तुम बोलते हो कि अच्छी लग रही हो, तो आज मैं ये कैसे मान लूं कि मैं अच्छी नहीं लग रही? लेट पीपल से बताओ लोगों में कैसी लग रही। अगर विग पहनी हुई ओरिजिनल बाल है मेरे, अब तो हल्के हो गए, मेरे पहले और भी भारी थे। मैं भी कितनी दूध वाली कॉफी है। तुम क्या ले रही हो? चाय? नहीं चाय। ये क्या है? ये रिबन बांध के जो आया ये ना, पता नहीं प्यार का पंचनामा भेजा साथ में। खोलना जरा इसको, क्या है इसको? अरे अच्छा ब्रंच का है, संडे ब्रंच। अरे यहाँ पे संडे ब्रंच भी होता है भाई। कितनी अच्छी सुंदर पिक्चर है ना। चलो आगे। फिर आज हम लोग लेट हो गए, डेढ़ बज चुके हैं, पता है भूख लग रही है, पता है 3 बजे तक पहुंचेंगे। आप क्या करें, खाना तुमने खाया नहीं? 1 घंटा हम लोगों को हो गया, 12:30 के आए थे ना, तभी मैं बोल रही थी ना कि खाना नहीं खाना, अब बज गए डेढ़। अरे अभी काम करेंगे, रास्ते में रुक के खाएंगे अच्छी जगह, ढाबे पे। हाँ ऐसा करेंगे। चलो गौतम ने और मैंने डिसाइड किया है, तुमको कसम है कि तुम सही जगह पे हमारे लिए रोक दोगे, ठीक है? रास्ते की ये दुकानें जो होती हैं जहाँ पे खाना वाना मिल जाता है, वैसा वाला अच्छे ढाबे पे रोक देना। लेकिन तुम्हें पता है कि रोकना कहाँ है? रास्ता अच्छा, मतलब तुमको भी पता नहीं है तुम देख रहे हो इसकी आवाज कितनी प्यारी है, मीठी आवाज। पहली बार सुन रही हो, वरना गुटखा खाते रहते हो। अच्छा बंदा है। अब मैं देखूंगी कुछ कंट्रोवर्शियल कहानियां ऑन यूट्यूब। तो अपना ही व्लॉग देख लो ना। क्यों कंट्रोवर्शियल नहीं है मेरा व्लॉग? तुम ये बोल रही थी ऐसा मेरे लिए भी लाई हो, कहाँ है? तो लाई थी लेकिन दिख नहीं रहा, रखा तो था मैंने, मेरे तो कैंडी ने बाहर निकाल दिया। मतलब वो खाली व्लॉग में अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए कि मेरे लिए भी तुमने रखा है, तुमने बोल दिया। अब आज जब इंक्वायरी खुली है, तुमने मांगा भी तो नहीं ना? अब मैं मांग रहा हूँ ना, दो ना, तुमने बोला मेरे लिए। तो देखो मैं नहीं दे सकती हूँ। जो मेरे लिए रखा था वो कहाँ है? नीतू बैग में एक और ये निकला क्या? नहीं एक ही था, एक तो कैंडी में निकाल दिया क्योंकि मैंने रखा था। मैं आज फिर एक बार चेक करूंगा। नहीं लेकिन मुझे अभी चाहिए ना। ये ले लो फिर। लाओ दो। निकाल क्यों नहीं पा रही हो? अरे सिल दिया है क्या? गर्दन में सिल दिया है? आधा आधा शेयर करें क्या? नहीं मुझे पूरा चाहिए, निकाल। अरे तुम ऐसे ले, ऐसे देखो, ऐसे करो, हो गया? तो ऐसे तुम कर लो ना और वो मुझे दे दो। ना शो करना है ना, गर्दन लचक गई। तो जब मैंने फ्लाइट में किया था तब तो तुमने नहीं पूछा, इतने दिन से तो तुम्हें याद नहीं आया, आज मेरे को लगाए हुए देख लिया तो तुम्हें याद आ गया। नहीं तो मैं तो ये मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वो मांग रहा हूँ जो तुमने रखा था मेरे लिए। कैंडी को खेलते हुए देखा था मैंने, मेरे को लगता है खेलते खेलते कैंडी ने सूटकेस से बाहर निकाल दिया, खींच रही थी दांत से, खींच रही थी कैंडी उसको जब मैं पैकिंग कर रही थी। मतलब जो बोल नहीं सकता उसके ऊपर इल्जाम लगा दो, बेजुबान कुत्ता, एक आधे फुट के कुत्ते पे इल्जाम लगा दिया। मैंने ना बहुत छोटी बकरी देखी है, बकरी का बच्चा मेमना, वो मैं देख रहा हूं। बेबी उसकी माँ मारेगी। नहीं क्यों मारेगी माँ? प्यार करने बुलाओ ना प्यार से। गए माँ के पास, गए बेबी। बेबी माँ की सींग बहुत नुकीली है। उए यार कितनी प्यारी है अविनाश। अरे कैसे जाके दूध पीने लग गए फटाक से? अरे ये तो मुझसे भाग रहे थे। अरे हाउ क्यूट इज दैट यार। मम्मी, बच्चों की मम्मी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। छोटा छोटा जो बच्चा है।
अरे अविनाश कितनी क्यूट है ये। इसकी माँ कैसे देख रही है? मम्मी देख रही है कि मैं शायद लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं लेके नहीं जा रही हूँ, आपको पता है मैं आपको लेके नहीं जाऊंगी। सी दिस, बहुत डरा हुआ है। लेकिन बेटा आंटी कुछ भी नहीं कहेगी, आपको प्यार करने आई है। नक्कू दिखाओ, अपनी नक्कू दिखाओ छोटी सी। हाँ जी, मम्मी मम्मी को बुला रहे हैं। मेरे को कैंडी याद आ गई बेबी, बेबी इज डैम क्यूट। बेबी हाथ लगाओ ना तुम भी। नहीं बेबी, मैं डरता हूँ। क्या कर, डरते हो? काट लेगी क्या? अभी वो सेटल हो गई है मेरे पास एकदम, देखो। वो समझ गई कि सेफ है वो, देखना कैसे। अरे वो तो लगा के सो गई बेबी, आंख वाँख बंद कर ली उसने तो। क्या बात कर रहे हो? हाँ मजा आ रहा है उसको, उसकी माँ कंटिन्यूसली देख रही है। जाओ तुम मम्मी के पास जाओ, आंटी जा रही है, ठीक है। ओए चलो बेबी। मैंने ना दूर से देख लिया था इसलिए गाड़ी रुकाई मैंने। मैंने वही सोचा तुमने गाड़ी क्यों रुकाई बीच में। अरे मेरे को इतने छोटे छोटे वो दिख गए ना बच्चे, तुमने क्यों नहीं हाथ लगाया? मैं डरता हूँ बेबी। क्या डरते हो तुम? तो कबूतर से भी डरते हो। कबूतर चोंच मार देगा, कबूतर से डरता है। कबूतर चोंच मार देगा, कौए को मैं कैसे कुछ करूंगा, बिल्ली काट देगी, कुत्ता छलांग मार देगा, बंदर दांत तोड़ देगा। अरे किससे नहीं डरते हो तुम? तुमसे। ध्यान से ट्रक आ रहा है, आओ ट्रक आ रहा है, बी सेफ। इतने छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा था, क्या बताऊं कैसा था। अरे मेरी गोद में आ गया और उसके बाद वो सो गया गोदी में, ऐसे ऐसे लग के सो गया। पहले रोया एक मिनट, फिर उसको पता लगा कि कुछ नहीं कहेगी। जरा हैंड सैनिटाइजर देना बेबी, क्योंकि मैं एक मेमने को छू के आई हूँ, तो मैं हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ कर रही हूँ। आओ नीतू, जरा खोलना जरा मतलब पीछे आओ, आप भी आओ खाना खाने के लिए। तो हम लोग रास्ते में एक ढाबा छोटा सा है वहाँ पे रुक गए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, उसके बाद कुछ खाना मिलेगा भी नहीं। आओ चलो खाना खाने, आ जाओ। लॉक कर देना बस, कहाँ बैठेंगे? मतलब प्योर जो ढाबा। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे खा लेंगे। आओ बेबी देख के आते हैं, कहाँ है खाने वाने का इनका? इनके अंदर है। खाने के लिए क्या क्या मिल जाएगा? तड़का मैंने दाल का, चना मूंग का है और केरला भुजिया होगा। हाँ कर दी, दे दीजिए दही, पनीर कर दीजिए और रोटी मिलेगी ना। तंदूरी भी है क्या? दिखाओ तो आटा कौन सा है। अंदर पक्का? अरे लेकिन ऊपर लिखा है किचन के अंदर आना मना है। चक्की आटा ये है और ये चक्की का आटा है, और खाना थोड़ा थोड़ा देते जाओ हमको, ठीक है? मैं हमको वेज दे दे। और यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ रोटी होगा, आलू गोभी होगा, रोटी आलू की भुजिया से स्टार्ट करते हैं हम। हाँ ठीक है, थोड़ा बस गर्म करके दे दीजिए। कांदा मिर्ची भी दे दो यार, बहुत अच्छा। करेले की भुजिया भी दे दो, देखिए ना करेला, देखिए बहुत कम दिख रहा है। इतने बचा हुआ, सुबह बनाए थे ना, पटल बचा हुआ है। और वो क्या है? आलू गोभी है, वो दे दीजिए। अच्छा अच्छा, खाना वाला अच्छा दिख रहा है, बस लगाइए रोटी खाइए। अरे मैं खुद ही लगाने लगी, मैं खुद ही लगाने लगी। नहीं बना पाएंगे? नहीं क्यों, मैं अरे हमको खाना वाला आ रहा है घर पे, बहुत भूख लगी हुई है भैया। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए और अचानक से मुझे एक गाना सुनाई दिया मेरे कान में, कि संभावना का एक बहुत फेमस भोजपुरी गाना है। और समझ में आया कि यहाँ जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं वो शायद किचन में वो गाना सुन रहे हैं और मैच कर रहे हैं कि ये वही है जो इस गाने में है। आपको गाना सुनाई दे रहा है? वो मैच कर रहे हैं, उसमें एक लीडर होगा जिसके फोन में जियो होगा जो दिखा रहा होगा। हो सकता है पैसे भी ले रहा हो बाकियों से दिखाने के। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी इस तरह से सैलेड सर्व नहीं करते, इतना प्यार से इन्होंने सर्व किया है ना। देखो और खाना बहुत कमाल का है, बहुत गजब खाना है। करेले की सब्जी, तभी रोटी पेट में जाके आटा बन गई। ऐसा खाना है ना, ऐसा नशा है ये खाना। आप बड़े बड़े होटल्स में खाना खाते हो, सब करते हो, लेकिन ये जो खाना था ना, इतने दिनों में सबसे बेस्ट खाना ये था, सबसे बेस्ट। बॉस आउटस्टैंडिंग फूड यार, मजा आ गया। हाँ जी नीतू बोल रहा, आप भी पियेंगे ललन जी मिरिंडा? अरे तुमने खत्म भी कर दिया? अरे क्या बताए, आपने गजब का खाना बनाया है, बहुत ही बढ़िया। आइए आइए, अरे हम हमारी तरफ से आप लोग रखिए, इधर से कभी निकलना हुआ तो जरूर आएंगे, लेकिन खाना बहुत ही बढ़िया था, आप लोगों ने दिल से खिलाया हमें। चलो भैया खाना हो गया। कहाँ जा रही हो? वैगन आर में आई थी तुम? वैगन आर में क्यों जा रही थी तुम?
मोबाइल है, मोबाइल कैमरा वाला किसके पास है? फोटो ले लो, आ जाओ। बेचारे इतना शर्मा रहे कि इनको खुद ही बोलना पड़ेगा हमें कि फोटो ले लो। वो बेचारे लेना चाहते हैं लेकिन हाँ। बोल नहीं पा रहे हैं। उनके पास शायद कैमरा भी नहीं होगा। आपके पास कैमरा है तो खिंचवा लीजिए, नहीं तो आपको देंगे कैसे इससे? हम इस होटल में दे दीजिए, हम लोग इसी में रहते हैं। यहाँ आप दोबारा नहीं आएंगे ना? अब ऐसा मत बोले, रोड है ना। नहीं लेकिन कब आएंगे पता नहीं ना। कभी भी आइएगा, देखिए चल जाइएगा, क्या दिक्कत है, आइएगा। हाँ जी।